Welcome to Hub of English Language and Literature. Today we will talk about we will discuss the summary of Waiting for Godot by Simon Beckett. So let's start. First of all, we will discuss basic information about Waiting for Godot. Its full title is Waiting for Godot or Tragicomedy in Two Acts. Mean, इसमें कुछ elements tragedy के हैं और कुछ comedy के mixture play है. Genre, it's belong to theater of absurd. Setting, an identified road near a tree. एक रोड है जहाँ पे एक दरख्त है तो वहां की इसकी सेटिंग है. इट वॉज रिटन इन 1948 और 1949. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1954 एंड इट्स लिटरेरी पीरियड इज पोस्ट मॉडर्निज्म. वेटिंग फॉर गोडो वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच. अब इसके जो मेजर कैरेक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एस्ट्रोगन. ही इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ एंड समटाइम्स व्लादिमीर कॉल्स हिम उगो. व्हेन द प्ले स्टार्ट्स ही इज ट्राइंग टू टेक ऑफ हिज बूट्स सिटिंग ऑन अ लो माउंट. कि ये मेन कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है जो अपनी जिंदगी से मुतमिन नहीं है और इसको जो व्लादिमीर है वो इसको गुगो भी कहता है. और जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त ये एक लो माउंट पे बैठा अपने जो बूट्स हैं उनको उतार रहा होता है. ही हैज नो कंट्रोल ओवर टाइम एंड हिज मेमोरी. ही ऑफन फॉरगेट्स हिज नेम एज वेल एज द नेम ऑफ अदर पर्सन एज वंस ही टेल्स हिज नेम एडम एंड अपोजो एज एबिल. ये अपना नाम और दूसरों के नाम अक्सर भूल जाता है क्योंकि एक दफा ये अपना नाम एडम बताता है और पुजो का जो नाम है वो एबिल कहता है. ही इज कंसर्न विद हिज पर्सनल फीलिंग्स एस्पेशली हिज सफरिंग्स. ही रिप्रेजेंट्स द ह्यूमैनिटी एज अ होल. कि ये ओवरऑल जो ह्यूमैनिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है इंसानियत की सफरिंग्स को. नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर इज व्लादिमीर. He is another main character of the play. He is more intellectual, rational and logical than Astrova. He is considered more intellectual and rational. He is called Didi by Astrogon while Mr. Abbott by the boy. कि इसको भी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है. जो Astrogon है वो इसको एक दफा Didi भी कहता है और जो boy इनसे मिलने आता है during the course of the play वो इसको Mr. Albert भी कहता है. He remembers most of the events and names in the very play. We often see him findings or playing with his hat. अक्सर ये हम इसको देखते हैं कि ये अपनी हैट के साथ खेल रहा होता है. He can be called the real hero of the play. यानी कि अगर एस्ट्रागन और व्लादिमीर में से अगर कंपैरिजन किया जाए कि इसका जो प्ले का जो हीरो है वो कौन है तो वो हम व्लादिमीर को कह सकते हैं. Next one is Pozo. He represents the rich who are very cruel to the poor and look down upon them. ये landlord type होता है और जो society में जो rich class है उसको represent करता है. He is a wealthy landowner who passes by the spots where Vladimir and Astrogon are waiting in both acts. ये वहां से गुजरता है जहां पे Vladimir और Astrogon इंतजार कर रहे होते हैं. ये फर्स्ट एक्ट में भी आता है और सेकंड में भी आता है लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो चेंज होती है जो वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. He claims that he is on his way to sell Lucky at the fair. ये जब इसको पहले देखा जाता है तो ये लकी को जो इसका सर्वेंट है वो उसको एक मेले में सेल करने के लिए जा रहा होता है. He treats his slave Lucky very cruelly who carry his bag, stool and other belongings. इसका जो बिहेवियर है वो अपने सर्वेंट के साथ वो बहुत ही क्रूअल है.
He also makes his him entertain Vladimir and Estragon by dancing and thinking. In the second act, he is blind. जो मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी जो कंडीशन है वो फर्स्ट एक्ट में और होती है और सेकंड में और होती है. तो फर्स्ट एक्ट में ये क्या होता है, ये ठीक होता है, लेकिन सेकंड एक्ट में ये ब्लाइंड होता है. नेक्स्ट वन इज लकी. ही इज द स्लेव ऑफ पोजो हु इज टाइड टू अ रोप अराउंड हिज नेक. ही कैरीज पोजोज बिलोंगिंग्स एंड ओबेज हिज ऑर्डर्स. जो पोजो है, जो इसका मालिक है, उसने इसको एक रस्सी से मतलब पकड़ा होता है, जो इसकी उसने नेक में डाली होती, तो इसने पोजो के जो सामान होता है, जैसे कि ये बैग है, स्टूल है और अदर जो चीज़ें हैं, वो इसने उठाई होती हैं. ही इज मोस्टली साइलेंट इन द प्ले एक्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इलॉजिकल मोनोलॉग इन द फर्स्ट एक्ट. ये ज़्यादातर खामोश ही रहता है, लेकिन जब ये बोलता है तो कमाल करता है, जो किसी को फिर समझ नहीं आती, बट इट वॉज लॉजिकल. वेन पोजो मेक्स हिम थिंक इन द सेकेंड एक्ट ही इज म्यूट एंड सीम टू हैव लॉस्ट हिज एबिलिटी टू थिंक. ही ऑल्सो सफर फ्रॉम वेरियस फिजिकल एलिमेंट सच एज ट्रेम्बलिंग, कफिंग एंड ड्रूलिंग. नेक्स्ट जो करेक्टर है वो बोए का है. A young messenger who appears at the end of each act to inform Vladimir that Godot will not come that day, but will surely come tomorrow. ये inform करने के लिए आता है दोनों main जो characters हैं उनको कि Godot आज नहीं आएंगे लेकिन कल आएंगे. He claims that he works for Godot and takes care of his goats. वो कहता है कि मैं Godot के लिए काम करता हूँ और Godot की जो बकरियाँ हैं उनका मैं ख्याल रखता हूँ. He also says that Godot has a white beard and does nothing. ये गोडो की अपीयरेंस भी बताता है कि उसकी सफेद दाढ़ी है लेकिन वो काम कोई नहीं करते. इन एडिशन ही सेज दैट गोडो टेक्स केयर ऑफ हिम एंड डज नॉट बीट हिम बट हिज ब्रदर इज बीटन बाय गोडो. यहाँ पे मतलब वो बताता है कि जो गोडो है वो इस लड़के की तो अच्छी देखभाल करता है और इसको नहीं मारता, लेकिन इसका जो भाई है उसको वो मारता है. सो वी कैन गेस दैट बोथ ऑफ द ब्रदर वर्क फॉर गोडो. नेक्स्ट वन जो करेक्टर है जो कभी अपीयर नहीं होता लेकिन जो सारा प्ले है उसी के बारे में, वो है गोडो का. ही नेवर अपीयर्स ऑन द स्टेज. वी जस्ट नो दैट गोडो इज द फिगर हु इज बीइंग वेटेड फॉर. कि वो शख्सियत है या वो कुछ है जिसका व्लादिमीर और एस्ट्रागन जो है वो वेट कर रहे हैं. वी नो थ्रू द बॉय दैट ही हैज वाइट बियर्ड एंड डज नथिंग. हमें लड़के से पता चलता है कि उनकी सफेद दाढ़ी है और वो कुछ नहीं करते. अब हम इसकी जो स्टोरी है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डिटेल से समरी मैंने बतानी है तो इसकी दो वीडियोस बनेंगी, एक फर्स्ट एक्ट की बनेगी और एक सेकंड एक्ट की बनेगी. तो पहले हम जो फर्स्ट एक्ट है उसकी समरी जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन अगेन क्योंकि ये डिटेल से समरी है सो मेरी कोशिश होगी कि ये जल्दी ख़त्म हो, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूँगा. तो जब ये प्ले शुरू होता है तो सड़क के किनारे एक दरख्त के पास बैठा एस्ट्रागन बार बार अपना एक जूता उतारने की कोशिश करता है. व्लादिमीर दाखिल होता है और एस्ट्रागन ने गुस्से से उसे बताया कि नथिंग टू बी डन. व्लादिमीर इसकी बात से इतफाक करता है और एस्ट्रागन से पूछता है कि इसने पिछली रात कहाँ गुजारी थी. एस्ट्रागन कहता है कि इसने रात एक खाई में सोकर गुजारी. अब यहाँ पे मैं बेसिक चीज़ों का पता चलता है कि दोनों जो हैं वो कहाँ पे खड़े हैं और वो एक दूसरे से किस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और उनकी जो रात जो उन्होंने गुजारी है वो कहाँ पे गुजारी है. व्लादिमीर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे एस्ट्रागन को मारा जब वो वहां सो रहा था, और वो कहता है कि हाँ उन्होंने मारा. व्लादिमीर कहता है कि ये एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कुछ उस यानी कि जो कुछ उसके साथ हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन फिर इसकी वजह यह है कि अब हार मानने का कोई फायदा नहीं है. एस्ट्रागन व्लादिमीर से कहता है कि वो बात करना बंद करे और इसकी जूते उतारने में उसकी मदद करे. व्लादिमीर पूछता है कि क्या बूट में दर्द होता है, और एस्ट्रागन इस सवाल पे झुक गया. व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि वो अकेला नहीं है,
इसका शिकार है, यानी कि ये जो सफरिंग है इसमें वो अकेला नहीं है। यहाँ से हमें ये पता, मतलब जो ड्रामाटिस्ट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो सफरिंग है किसी एक इंसान को नहीं है, बल्कि पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो इन सफरिंग को फेस कर रही है। और एस्ट्रागोन की तरफ इशारा करता है कि इसकी पैंट्स की जेब खुली हुई है। एस्ट्रागोन दोबारा मदद के लिए पूछता है, लेकिन व्लादिमीर ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी टोपी उतार कर इसमें देखा और उसे उल्टा हिला दिया, जैसे किसी चीज के गिरने की उम्मीद हो। करने को कुछ नहीं, नथिंग टू बी डन अगेन, वो कहता है नथिंग टू बी डन। एस्ट्रागोन आखिरकार अपना बूट उतारता है और फिर इसके अंदर देखता है और उसे उल्टा देता है, बाजार के अंदर भी कुछ तलाश करने की वो कोशिश कर रहा है। व्लादिमीर कहता है मुझे दिखाओ, लेकिन एस्ट्रागोन ने उसे बताया कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो दिखाया जाए। व्लादिमीर हैरान है कि अगर वो एस्ट्रागोन तौबा कर ले तो क्या होगा। एस्ट्रागोन पूछता है कि वो किस चीज के लिए तौबा कर रहे होंगे। एस्ट्रागोन ने मशवरा दिया कि पैदा होने की तौबा। इससे व्लादिमीर हंसता है। एस्ट्रागोन उसे कहता है कि वो ना हंसे और इसके बजाय सिर्फ मुस्कुराए। व्लादिमीर पूछता है कि क्या एस्ट्रागोन ने कभी बाइबल पढ़ी और क्या उसे गॉस्पल याद है। एस्ट्रागोन कहता है कि उसे सिर्फ मुकद्दस सरजमीन के रंगीन नक्शे याद हैं। जैसा कि एस्ट्रागोन रंगीन नक्शों की वजाहत करता है, व्लादिमीर उसे मजाक से कहता है कि उसे तुम्हें तो शायर होना चाहिए था। एस्ट्रागोन का कहना है कि वो भी शायर हुआ करता था। व्लादिमीर पूछता है कि एस्ट्रागोन के तुम्हारा पांव कैसा है। वो कहता है कि मेरे पांव पे सूजन है। व्लादिमीर एस्ट्रागोन को बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मसलूब होने वाले दो चोरों के बारे में बताता है। दो चोरों में से एक को जहन्नम वसल किया गया जबकि दूसरा बच गया। एस्ट्रागोन पूछता है किस चीज से बच गया। व्लादिमीर कहता है कि जहन्नम में जाने से बच गया। व्लादिमीर हैरान है कि चार एवेंजलिस्ट में से सिर्फ एक ही चोर के बचाए जाने के बारे में क्यों लिखता है। यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है एवेंजलिस्ट, इसका जो मीनिंग है, ये जो बाइबल है इसके फोर ऑथर्स हैं। तो वन ऑफ द फोर ऑथर्स जिसमें मैथ्यू है, मार्क है, ल्यूक है, जोहन है, ये चार ऑथर्स हैं, उनको एवेंजलिस्ट कहा जाता है। व्लादिमीर दो चोरों के बारे में सोचता रहता है और वो हैरान है कि दो चोरों में से एक बच गया था या नहीं। एस्ट्रागोन व्लादिमीर की तरह नहीं सोचता और वो परेशान है। व्लादिमीर पूछता है कि वो एक एवेंजलिस्ट पर क्यों यकीन करे जो कहता है कि एक चोर बच गया था। यानी कि तीन कहते हैं कि नहीं बचा, लेकिन एक कहता है कि बच गया था, जबकि बाकी तीन मुत्तफिक नहीं है। एस्ट्रागोन पूछता है कि कौन मानता है कि चोरों में से एक को बचाया गया था। और व्लादिमीर कहता है कि हर कोई ऐसा करता है। एस्ट्रागोन का कहना है कि लोग खूनी जाहिल बंदर हैं। जब एस्ट्रागोन उठता है और इर्द गिर्द देखता है, व्लादिमीर एस्ट्रागोन के बूट में देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। एस्ट्रागोन ने मशवरा दिया कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर ने उसे बताया कि वो नहीं जा सकते क्योंकि वो गोडो का इंतजार कर रहे हैं। एस्ट्रागोन पूछता है कि क्या व्लादिमीर को यकीन है कि वो सही जगह पर इंतजार कर रहे हैं। और व्लादिमीर का कहना है कि हाँ, ये सही जगह है क्योंकि ये सड़क के किनारा है और यहाँ पे दरख्त भी है, और उसे मालूम है कि जहाँ पे गोडो ने आना है वो सड़क का किनारा होगा और वहां पे एक दरख्त भी होगा, तो इसलिए वो कहता है कि हम सही जगह पर इंतजार कर रहे हैं। एस्ट्रागोन पूछता है कि दरख्त के पत्ते कहाँ हैं। और व्लादिमीर कहता है कि ये जरूर जरूर मर चुके होंगे या ये पत्तों के लिए सही मौसम नहीं है। दोनों मुत्तफिक हैं कि दरख्त ज्यादा झाड़ी या झाड़ी की तरह लगता है। व्लादिमीर को शक है कि क्या गोडो वाकई आएगा। एस्ट्रागोन पूछता है कि अगर वो नहीं आया तो क्या हो, तो वो क्या करेंगे। और व्लादिमीर कहता है कि वो अगले दिन उसी जगह वापस आ जाएंगे और अगले दिन और इसी तरह रोज आते रहेंगे यहां तक कि गोडो आ जाए। मतलब वो कहता है कि हम इंतजार करना जारी रखेंगे। एस्ट्रागोन का कहना है कि वो कल इस जगह पे आए थे, लेकिन व्लादिमीर उससे मुत्तफिक नहीं है। एस्ट्रागोन ने पूछा कि क्या व्लादिमीर को यकीन है कि वो सही दिन इस जगह पर हैं। व्लादिमीर ऐसा ही सोचता है, हफ्ते का दिन था वो, लेकिन अपनी जेबों से देखता है कि आया इसने कहीं लिखा है कि वो किस दिन आना था।
यानी कि गॉडो ने किस दिन आना था और उन्होंने यहाँ पे किस दिन वेट करने को आना था। एस्ट्रागन को शक है कि ये कौन सा दिन है और फिक्रमंद है कि शायद गॉडो कल आया था और वो मिलने के लिए वहां नहीं थे। दोनों बात करने में वफा करते हैं और एस्ट्रागन सो जाता है। वलादर ने उसे जगा दिया, जिसके बाद एस्ट्रागन पूछता है कि वो उसे सोने क्यों नहीं दे रहा। वलादिमिर कहता है कि वो तन्हा महसूस कर रहा था। एस्ट्रागन का कहता है कि इसने एक ख्वाब देखा और वो वलादिमिर को इसके बारे में बताना शुरू कर देता है, लेकिन वलादिमिर गुस्से से इस पर चीखता है कि वो ख्वाब बयान ना करे। वो एस्ट्रागन से कहता है कि कीप योर नाइटमेयर्स प्राइवेट। एस्ट्रागन हैरान है कि क्या ये बेहतर होगा कि वो और वलादिमिर अपने अलग अलग रास्तों पर जाएं। उसे एक ब्रोथल पर अंग्रेज के बारे में एक लतीफा याद आया जो वो वलादिमिर को सुनाता है, जो उसे मजाक के बीच में रोक कर स्टेज से चला जाता है। वलादिमिर वापस आया और एस्ट्रागन ने पूछा कि क्या इसके पास उसे बताने के लिए कुछ है। वलादिमिर का कहना है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। एस्ट्रागन माफी मांगता है और दोनों गले मिलते हैं। तहम एस्ट्रागन उसे अपने गले से हटा देता है क्योंकि उसे वलादिमिर से लहसुन की बू आती है। वलादिमिर ने पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। एस्ट्रागन ने मशवरा दिया कि वो इंतजार करें। वलादिमिर पूछता है कि जब वो इंतजार करेंगे तो वो क्या करेंगे, और एस्ट्रागन ने मशवरा दिया कि वो खुद को फांसी दे दें। वो दरख्त के पास जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पहले फांसी नहीं लेना चाहता। एस्ट्रागन का कहना है कि वलादिमिर को पहले खुद को फांसी पर लटकाना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा भारी है। अगर एस्ट्रागन ने पहले खुद को फांसी दी और फिर वलादिमिर ने कोशिश की लेकिन शाख इसके वजन से टूट गई तो वलादिमिर बिल्कुल अकेला रह जाएगा। वलादिमिर पूछता है कि क्या वो वाकई एस्ट्रागन से ज्यादा भारी है, और फिर पूछता है अच्छा हम क्या करें। एस्ट्रागन का कहना है कुछ भी नहीं, ना करना ज्यादा महफूज है, यानी कि कुछ भी ना करना ज्यादा महफूज है। वलादिमिर ने मशवरा दिया कि वो इंतजार करें और देखें कि गॉडो क्या कहते हैं। वलादिमिर का कहना है कि गॉडो उन्हें क्या देगा। एस्ट्रागन पूछता है कि उन्होंने गॉडो को क्या काम कहा, और वलादिमिर ने कहा कि कुछ खास नहीं, इट वॉज जस्ट अ वेग सॉर्ट ऑफ प्रेयर, मतलब ये कि सिर्फ एक आम सी दुआ थी। एस्ट्रागन पूछता है कि गॉडो का दुआ का क्या जवाब था, यानी कि जो दुआ की गई तो गॉडो ने क्या जवाब दिया। और वलादिमिर ने उसे याद दिलाया कि गॉडो ने कहा था कि वो इंतजार करेंगे और देखेंगे। एस्ट्रागन याद करता है और मजीद कहता है कि गॉडो ने कहा कि वो कुछ भी वादा नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अगर गॉडो हमारी मदद कर दे तो हमारी निजात यकीनी है, लेकिन उन्हें किसी बात का यकीन नहीं है कि गॉडो आएगा या नहीं आएगा, या वो आएगा तो वो कब आएगा, या वो उनकी मदद करेगा या नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद वो इसका इंतजार करते रहते हैं। एस्ट्रागन पूछता है हमें क्या करना चाहिए, और वलादिमिर पहले तो उलझन में है, फिर जवाब देता है हमें हाथों और घुटनों के बल जाकर गॉडो से मिलना चाहिए। एस्ट्रागन पूछता है कि क्या अब इनके हकूक नहीं, और वलादिमिर ने उसे बताया कि वो इनसे छुटकारा पा चुके हैं। अचानक वलादिमिर एस्ट्रागन को सुनने को कहता है जैसे वो कुछ सुन रहा हो। दोनों सुनते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं सुनते, वो सुकून के सांस लेते हैं। वलादिमिर का कहना है कि उसे लगता है कि इसने गॉडो का सुना है। एस्ट्रागन का कहना है कि वो भूखा है, और वलादिमिर उसे गाजर पेश करता है, लेकिन फिर वो अपनी जेबों में शलजम तलाश करता है। आखिरकार वो एक गाजर ढूंढता है और उसे एस्ट्रागन को देता है, जो उसे शौक से खाता है। एस्ट्रागन ने वलादिमिर से पूछा क्या वो बंधे हुए हैं। वलादिमिर पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और एस्ट्रागन पूछता है कि क्या वो गॉडो से बंधे हुए हैं। वलादिमिर का कहना है कि वो कम अज कम इस लम्हे के लिए हैं। एस्ट्रागन पूछता है कि क्या उन्हें यकीन है कि इस शख्स का नाम गॉडो है, और वलादिमिर का कहना है कि वो ऐसा ही लगता है। एस्ट्रागन ने अपनी गाजर खत्म की और दोबारा कहा नथिंग टू बी डन। स्टेज से दूर एक खौफनाक चीख से दोनों में खलल डालती है, यानी कि उन्हें एक खौफनाक जो चीख सुनाई देती जिससे उनकी जो बातें उसमें खलल वाक़ होता है। वो स्टेज के किनारे तक भागते हैं। एस्ट्रागन रुक जाता है और अपने बूट लेने के लिए वापस भागता है। फिर वो वापस वलादिमिर की तरफ भागता है। वो शोर से खौफजदा होकर इकट्ठे हो जाते हैं। पोजो और लकी दाखिल होते हैं। यहाँ पे अब दोनों की एंट्री हो रही है। पोजो अपने गले में रस्सी डालकर लकी को जानवरों की तरह चलाता है। वो उसे अपने साथ चलाने के लिए एक कोड़ा लेकर जाता है, जबकि लकी के पास फोल्डिंग स्टूल, एक बैग, एक पैकिंग टोकरी और एक कोट है। पोजो लकी को कूड़े मारता है
जब वो स्टेज के पास से गुजरते हैं, यानी कि जब वो दाखिल होते हैं तो जो पोजो है उसने लकी के गले में रस्सी डाली होती है और उससे उसको वो ड्राइव करता है जानवरों की तरह। जैसे ही वो स्टेज से निकल रहे थे वो लकी को अचानक रोकता है, यानी कि उसको एक झटका देता है जिसकी वजह से वो अपनी तमाम चीजें गिरा देता है। यानी कि वो उसके गले में रस्सी उसने डाली हुई थी ना, तो जब उसको उसको रोकने के लिए रस्सी को खींचता है तो वो एक झटका लगता है। झटके से क्या होता है, उसके पास भी चीजें होती है वो गिर जाती हैं। व्लादिमीर लकी की मदद करने जाता है लेकिन एस्ट्रागोन से रोकता है। पोजो इन दोनों को मुहतात रहने को कहता है क्योंकि लकी खतरनाक है। एस्ट्रागोन व्लादिमीर से पूछता है कि क्या ये गोडो है, लेकिन फिर पोजो ने नाम लेकर अपना तारुफ करवाया और पूछा कि क्या वो इससे वाकिफ नहीं है। एस्ट्रागोन इसकी बात सुनता है और ऊंची आवाज में गौर करता है और बोजो को जानता है या नहीं, यानी कि वो पोजो का नाम बोजो BOZZO कहता है। अब पोजो को गुस्सा आता है और वो उसको कहता है कि मैं बोजो नहीं हूं, मैं पोजो। एस्ट्रागोन ने माफी मांगते हुए कहा कि वो यहाँ के नहीं है, यानी कि उसने कहा कि हम आपको नहीं जानते और ना ही हम यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले एक मिस्टेक हुई है कि मैंने कहा कि पोजो ने अपने गले में रस्सी डाली हुई थी, वो रस्सी लकी के गले में थी। एनीवे, जब वो माफी मांगता है तो पोजो आगे से कहता है यू आर ह्यूमन बीइंग नन द लेस एंड अरोनिकली सेज दे आर ऑल मेड इन गॉड्स इमेज। पोजो ने पूछा कि गोडो कौन है। व्लादिमीर का कहना है कि वो एक जानने वाला है, लेकिन एस्ट्रागोन का कहना है कि वो उसे ज्यादा नहीं जानते। पोजो पूछता है कि क्या वो गोडो का यहाँ इसकी जमीन पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर वो तस्लीम करता है कि सड़क मुफ्त जमीन है। गुफ्तगू बदलता है और लकी के गले में बंधी रस्सी को झटका देता है और उसे सुअर कहता है। वो लकी को गले में रस्सी से घसीटता रहता है, फिर लकी से अपना कोट मांगता है। पोजो लकी से अपना स्टूल मांगता है, इसे लकी पोजो के बैठने के लिए जमीन पर रखता है। वो लकी को कुछ और घूमने का हुक्म देता है, उसे अपनी टोकरी लाने का हुक्म देता है जिसमें से वो चिकन का एक टुकड़ा और शराब की बोतल निकालता है। वो खाता पीता है। जब व्लादिमीर और एस्ट्रागोन लकी का मुआयना कर रहे हैं, जो खड़े होते हैं थक कर सो रहा है, यानी कि जो लकी है वो खड़ा है और वो थका हुआ है और वो सो रहा है, जबकि जो पोजो है वो क्या चिकन खा रहा है और उसके पास एक शराब की बोतल है। और दोनों जो मेन करेक्टर हैं एस्ट्रागोन और व्लादिमीर, वो लकी का मुआयना कर रहे हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन लकी का मुआयना करते हैं ये देखते हुए कि रस्सी किस तरह इसकी गर्दन को चीरती है और वो कितना थका हुआ नजर आता है। वो लकी की जाहरी शक्ल का जायजा लेते हैं, इनकी आंखों से इसके सर से चश्मा निकालता है। व्लादिमीर ने मशवरा दिया कि वो लकी से एक सवाल पूछें और एस्ट्रागोन ने इससे बात करना शुरू कर दी। यह पोजो ने उन्हें रोका और कहा कि वो लकी को अकेला छोड़ दें। वो दोबारा अपनी टोकरी मंगवाता है और जब लकी हरकत नहीं करता तो पोजो दोबारा रस्सी को झटका देता है, लेकिन शराब की बोतल लेकर वापस टोकरी में रख देता है। एस्ट्रागोन मुर्गी के गोश्त की हड्डियों को देखता है जो पोजो ने जमीन पर फेंकी हैं और पूछता है कि क्या वो उन्हें ले सकता है। पोजो का कहना है कि उसे हड्डियों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि उन्हें लकी के पास जाना चाहिए। इसलिए एस्ट्रागोन लकी से पूछता है कि क्या वो उसे हड्डियों की जरूरत है, लेकिन लकी कोई जवाब नहीं देता। पोजो जवाब देने के लिए लकी पर चीखता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं कहता तो पोजो ने उसे एस्ट्रागोन को बताया कि हड्डियां इसकी हैं, यानी कि वो कह देता है कि हड्डियां तुम ले लो। व्लादिमीर अचानक चीखता है ये बहुत गलत है। पोजो ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और व्लादिमीर का कहना है कि लकी के साथ इस तरह का सलूक करना एक बहुत गलत बात है। पोजो पूछता है कि वो व्लादिमीर की उम्र कितनी है। वो जवाब नहीं देता और फिर कहता है कि वो जरूर जा रहा है। वो वक्त देने के लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागोन का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फिर वो कुछ और सिगरेट नोशी पर बहस करता है। व्लादिमीर एस्ट्रागोन से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन पोजो ने उन्हें रोक दिया। इसने लकी की रस्सी को दोबारा झटका दिया और उसे स्टूल हरकत देने पर मजबूर किया, यानी कि स्टूल लाने के लिए। वो वापस बैठ जाता है और अपना पाइप दोबारा भरता है। व्लादिमीर वहां से जाना चाहता है, लेकिन पोजो इससे कहता है थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हें इस पर कभी पछतावा नहीं होगा। और एस्ट्रागोन ने इतराफ किया कि वो कोई जल्दी में नहीं है।
व्लादिमीर अब भी जाना चाहता है और पोजो उसे एहतियात से सोचने को कहता है। ये पूछता है कि अगर व्लादिमीर ने गोडो के साथ अपनी मुलाकात छोड़ दी तो क्या होगा। पोजो का कहना है कि वो गोडो से भी मिलना चाहेंगे क्योंकि जैसा कि वो कहते हैं, मैं जितने ज्यादा लोगों से मिलता हूँ मैं इतना ज्यादा ही खुश रहता हूँ। एस्ट्रागोन पोजो से पूछता है कि लकी अपना बैग क्यों नहीं रखता, और व्लादिमीर एस्ट्रागोन की हौसला अफजाई करता है कि वो खुद लकी से पूछे। लकी जवाब नहीं देता, लेकिन पोजो का कहना है कि वो उन्हें बताएगा। पोजो बोलने के लिए तैयार होता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि हर कोई सुन रहा है। लकी के गले में रस्सी डालकर इसकी तवज्जो दिलाने के लिए वो सोचने के लिए रुकता है और फिर पूछता है कि सवाल क्या था। एस्ट्रागोन और व्लादिमीर उसे याद दिलाते हैं। पोजो का कहना है कि लकी को खुद को आराम देने का हक हासिल है, इसलिए इसके साथ ऐसा ना करने की वैध वजह यह है कि वो नहीं चाहता। इसका कहना है कि लकी नहीं चाहता, मतलब वो कहता है कि लकी खुद भी नहीं आराम करना चाहता क्योंकि वो पोजो को मुतासर करना चाहता है ताकि पोजो उसे रखे। यानी कि जो पोजो है वो ये कहता है कि जो लकी है ये जो सामान नहीं रख रहा और जो आराम नहीं कर रहा वो इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ये मुझे मुतासर करना चाहता है ताकि मैं इसको सेल ना करूं बल्कि इसको अपनी नौकरी पे रखूं या अपनी खिदमत पे रखूं। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन उलझन में हैं, सोच रहे हैं कि पोजो लकी से क्यों छुटकारा हासिल करेगा। पोजो ने दोहराया कि लकी ये दिखाना चाहता है कि वो चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से उठाता है ताकि पोजो उसे अपने पास रखे। अब दूसरी रीज़न उसने क्या पेश की है। पहली रीज़न उसने बताई कि ये मुतासर करना चाहता है, फिर वो बताता है कि ये मुझे इसलिए भी मुतासर कर रहा है कि ये अपना बता सकता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और मैं कितना चीज़ों को उठा सकता हूँ, और इस ये सारा कुछ करने का मकसद ये किया कि ये मुझे मुतासर करना चाहता है ताकि मैं इसको शेयर ना करूँ, अपने पास रखूँ। लेकिन पोजो का कहना है कि लकी असल में सुअर की तरह चीज़ें लेकर जाता है। वो कहता है कि इसके पास बहुत सारे गुलाम हैं और वो कहता है एटलस सन ऑफ जुपिटर। व्लादिमीर ने फिर पूछा कि क्या पोजो लकी से छुटकारा हासिल करना चाहता है। पोजो का कहना है कि वो लकी को बेचने के लिए मेले में जा रहे हैं, लेकिन ये बेहतर होगा कि उसे मार दिया जाए। लकी रोना शुरू कर देता है और पोजो कहता है बूढ़े कुत्तों की इज्जत ज्यादा होती है। पोजो अपना रुमाल एस्ट्रागोन को देता है और उसे लकी के आंसू पूछने को कहता है। एस्ट्रागोन हिचकिचाता है, लिहाजा व्लादिमीर कहता है कि वो ये काम करेगा। रुमाल पर दोनों लड़ते हैं। एस्ट्रागोन रुमाल लेकर लकी के पास जाता है, लेकिन लकी उसे पिल्लियों में लात मारता है। पोजो रुमाल के लिए चीखता है जैसे लकी उठाकर इसके पास वापस आ जाता है। उसी दौरान एस्ट्रागोन की टांग से खून बह रहा है और वो चीख रहा है कि वो मुश्किल से चल सकता है। व्लादिमीर का कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो वो एस्ट्रागोन को लेकर जाएंगे। पोजो ने नोट किया कि लकी ने रोना छोड़ दिया है और मजाक उड़ाया है कि एस्ट्रागोन ने लकी की जगह ले ली। द टीयर ऑफ द वर्ल्ड आर अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी ही सेज। पोजो का कहना है कि हमारी नस्ल किसी भी पिछली नस्ल से ज्यादा नाखुश नहीं है, और कहते हैं कि लकी ने उसे ये सिखाया। इसका कहना है कि इसने 60 साल पहले लकी को गुलाम के तौर पर लिया था और व्लादिमीर हैरान है कि वो ऐसे पुराने और वफादार बंदे से मुंह मोड़ लेंगे क्योंकि उसने उसकी 60 साल खिदमत की है। तो वो कहता है कि इसका तो ये तो फिर बहुत इसका वफादार है, तो फिर भी इसे ये इससे मुंह मोड़ रहा है, फिर भी इसको सेल करने के लिए वो जा रहा है। व्लादिमीर का कहना है कि पोजो लकी को केले की खाल की तरह फेंक रहा है। व्लादिमीर सेज दैट पोजो इज थ्रोइंग लकी अवे लाइक अ बनाना स्किन। पोजो बड़बड़ाता है कि वो लकी के साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो पागल हो रहा है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन ने से अपने अल्फाज को दोहराया और फिर व्लादिमीर ने लकी की तरफ इल्जाम लगाते हुए कहा इसका रवैया ऐसे अच्छे मास्टर के लिए काबिल नफरत है। पोजो ये कहते हुए रोना शुरू कर देता है कि लकी बहुत मेहरबान, बहुत मददगार और दिल की और अच्छे दिल का है। व्लादिमीर एस्ट्रागोन हैरान है कि आया लकी इसकी जगह एक नया गुलाम लेना चाहता है या नहीं। पोजो का कहना है कि इसने जो कुछ कहा इसमें सच्चाई का एक लफ्ज नहीं है। क्या मैं एक ऐसे आदमी की तरफ देखता हूं जिसे तकलीफ से दो चार किया जा सकता है। वो पूछता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन इस बात पर तबसरा करते हैं कि इनकी शाम कितनी दिलकश और नाकाबले फरामोश रही है। पोजो अपना पाइप ढूंढने की कोशिश करता है जैसे इसने गलत जगह पर रखा है, जबकि व्लादिमीर थोड़ी देर बाद स्टेज को छोड़ता है। पोजो अपना पाइप
खो जाने पर परेशान है और व्लादिमीर से पूछना शुरू कर देता है कि क्या इसने उसे देखा है। इससे पहले कि वो देखे कि व्लादिमीर अलविदा किए कहे बगैर चला गया। एस्ट्रागन बोजो से कुछ फासले पर कुछ देखने के लिए तरफ इशारा करता है। वो देखता है और कहता है, ये सब खत्म हो गया है। व्लादिमीर गुस्से में लौटता है और बोजो के स्टूल पर लात मारता है। वो पुरसकून होकर पूछता है कि क्या रात कभी नहीं आएगी। बोजो कहता है कि अगर वो गोडो का इंतजार कर रहा है तो उसे भी रात से पहले नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि वो दोबारा अपने स्टूल पर बैठना चाहता है लेकिन नहीं जानता कि कैसे। एस्ट्रागन मदद करने के लिए पेशकश करता है और बोजो उसे बैठने को कहता है। एस्ट्रागन ने बोजो को बैठने को कहा और वो बैठ गया। बोजो का कहना है कि उसे अपने बिजी शेड्यूल की वजह से जाना चाहिए। हालांकि व्लादिमीर कहते हैं वक्त रुक गया है, बोजो इससे मुत्तफिक नहीं है। फिर कहता है कि वो व्लादिमीर और एस्ट्रागन को ट्वाइलाइट के बारे में बताएगा। वो बोलने के लिए तैयार होता है और सबकी तवज्जो तलब करता है। वो लकी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपना कूड़ा को तोड़ता है, फिर ये कहकर कूड़ा नीचे फेंक देता है कि ये खत्म हो गया। बोजो भूल गया कि वो किस बारे में बात करने वाला था। व्लादिमीर ने फिर मशवरा दिया कि वो और एस्ट्रागन चले जाएं। बोजो ने एस्ट्रागन से पूछा कि इसका नाम क्या है और एस्ट्रागन का कहता है कि ये एडम है। बोजो को याद है कि वो रात के बारे में बात करना चाहता था। वो सबको आसमान की तरफ देखने को कहता है और इसके बदलते रंगों को गीत के साथ बयान करता है। फिर मुख्तलिफ बातों से रात को नापसंद करता है। व्लादिमीर का कहना है कि वो और एस्ट्रागन आसानी से अपना वक्त गुजार सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। इनका कहना है कि वो इसके आदी हैं। पोजो इनसे पूछता है कि वो इसकी तकरीर के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, दरमियानी, नाकिस, मस्बत तौर पर बुरा। वो इसके बोलने की तारीफ करते हैं। एस्ट्रागन और व्लादिमीर अपनी बोरियत को बयान करते हुए इंतजार करते हैं। नथिंग टू बी डन। पोजो का कहना है कि चूंकि व्लादिमीर और एस्ट्रागन बहुत अच्छे तरीके से बात की, इसलिए वो सोचता है कि क्या वो इनकी मदद के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि वो इस कदर सुस्त और सुस्त वक्त गुजार रहे हैं। एस्ट्रागन पैसे मांगता है, हालांकि व्लादिमीर नाराज है और कहता है कि वो भिखारी नहीं है। बोजो ने यह नतीजा अक्स किया कि इसने कुछ वक्त के लिए व्लादिमीर और एस्ट्रागन से बात करके ही काफी कर दिया है। यानी कि उसने बोजो ने कहा कि मैंने जो एस्ट्रागन और व्लादिमीर से जो बात की है, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वो कि मैंने इनसे बात कर ली है तो ये भी मेरा इन पे एहसान है। यानी कि वो व्लादिमीर और एस्ट्रागन को कुछ भी नहीं समझ रहा और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा है कि मेरा बात करना ही इनके लिए एक फख्र की बात है और मेरा ये बहुत बड़ा एहसान है इन पे। पोजो लकी की रस्सी को खींचता है, चाबुक उठाता है और इनसे पूछता है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लकी रक्स भी कर सकता है, सोच भी सकता है और तिलावत भी कर सकता है। इसका कहना है कि लकी घुटनों बल घंटों बुलंद आवाज में सोच सकता है। एस्ट्रागन का कहना है कि वो लकी का डांस देखना पसंद करेंगे, लेकिन व्लादिमीर लकी के ख्याल को सुनना चाहता है। एस्ट्रागन ने मशवरा दिया कि वो पहले लकी का डांस देखेंगे और फिर इसकी सोच को सुनेंगे, क्योंकि लकी ऊंचा सोचता है। बोजो का कहना है कि लकी ने सिर्फ एक बार रक्स करने से इनकार किया। एस्ट्रागन इस वक्त के बारे में पूछता है जब लकी ने डांस करने से इनकार कर दिया था। बोजो बोलने के लिए तैयार होता है, फिर भूल जाता है कि वो क्या कहने वाला था। एस्ट्रागन और व्लादिमीर भी याद रखने की कोशिश करते हैं। एस्ट्रागन सोचता है कि शायद वो ये कहने जा रहा था कि लकी अपना बैग क्यों नहीं डालता, यानी कि अपना जो बैग है वो क्यों नहीं जमीन पे रखता। व्लादिमीर का कहना है कि पोजो ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है। व्लादिमीर ने नोट किया कि लकी ने रक्स करने के लिए अपना बैग नीचे रखे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्ट है वो खत्म होता है। सेकेंड एक्ट जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।